विकास इकोटेक कंपनी ने एक जंग विरोधक प्रणाली विकसित की है और उसका पेटेंट कराया है। इस खबर के बाजार में आते ही कंपनी के शेयर में बढ़िया 10% का उछाल देखने को मिला और उसी बीच में कुछ प्रमोटर्स की और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एग्जिट हुई इस कंपनी से। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिटेल निवेशक होने के नाते आपको ये बात जानने बहुत ज़रूरी है। आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स लोग जो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बैठ के ये ज्ञान देते हैं ना कि आप इस शेयर को खरीद लो मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा, तो देखिए शॉर्ट टर्म में आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको होल्ड करके ये सोचेंगे कि आप उसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न का मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा, कहीं से पॉसिबल नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स हमेशा देखे जाते हैं और साथ में कंपनी के वैल्यूएशन भी। सबसे पहले बात कर ली इस कंपनी की विकास इकोटेक की, तो 500 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी 60 करोड़ का नॉमिनल सा कर्जा अपने ऊपर रखे हुए है। सेल्स ग्रोथ रेट बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ रेट बढ़िया है, लेकिन आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, बिलो एवरेज है, और आरओसी ये भी काफ़ी कम है। देखिए एक बेसिक पैरामीटर ये होता है कि आरओई और आरओसी 10 के ऊपर है 30 के बीच में है तो मान लेते हैं शेयर बढ़िया है। अगर आप कंपनी की ईपीएस भी देखिएगा, अर्निंग पर शेयर, तो ये भी काफ़ी कम है। प्रमोटर्स की स्टेक जो है वो भी लगातार घट रहे हैं। जो तकनीक कंपनी ने डेवलप की है इतनी कारगर रहती ना तो इसका फ़ायदा कंपनी को जरूर मिलता, और कंपनी को फ़ायदा मिलता तो इसका फ़ायदा कंपनी के प्रमोटर्स को भी मिलता। लेकिन क्यों कंपनी के प्रमोटर्स ने इस शेयर को छोड़ के निकल गए, एग्जिट ले लिए, इस सवाल का जवाब आप खुद से ढूंढिए। खैर कंपनी के हम डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं और कंपनी के रेवेन्यू चार्ट को ब्रेकडाउन करते हैं सबसे पहले रियल नंबर, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा सुलभता होगी। लगातार कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, बढ़िया चीज़ है। नेट इनकम कंपनी की लगातार बढ़ रही है, किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये पैरामीटर पर कंपनी खरी उतर रही है। इसके अलावा कंपनी की अगर एसेट्स मैनेजमेंट को देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया एसेट्स मैनेजमेंट हो रहा है। कंपनी की संपत्ति में लगातार ग्रोथ है, मैनेजमेंट ठीक काम कर रही है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम हुई है, जिसको हम कहते हैं कंपनी के ऊपर दायित्व कितना है, तो लगातार कंपनी के ऊपर जो दायित्व है वो कम होता जा रहा है। साथ में एसेट्स में भी ग्रोथ है। कंपनी के पास अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो रिच कंपनी है, यानी कि कंपनी के पास कैश फ्लो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़िया आया हुआ है। सिर्फ स्टेटमेंट में इनकम नहीं है बल्कि बैंक खाते में भी आ रही है, तो फंडामेंटली कंपनी ठीक है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके आगे कंपनी की अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन और भी तमाम टाटा केमिकल होंगी, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस सेक्टर में बढ़िया वैल्यूएशन पे भी हैं। तो लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बढ़िया कंपनी की मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी पे अपने दाव लगाइए लंबी अवधि के लिए, और कम अवधि के लिए खेलना चाहते हैं तो आप इन कंपनियों पे दाव लगाइए उन्हीं उतने ही कैपिटल के साथ, जो कुछ टाइम के लिए इस कंपनी के भीतर अटक जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। शेयर की जो हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा शेयर है, शुरुआती से अगर देख लें जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से तो ये डिक्लाइन फेज में चल रही है 2018 के बाद से, तो बहुत ज़्यादा आप इससे उम्मीद लगा के मत बैठिएगा, हमेशा स्टॉप लॉस को लगा के रखिएगा। और अगर शेयर डाउन ट्रेंड में फिर भी जा रहा है खरीदने के बाद तो एवरेज करने की गलती मत कीजिएगा, अगर एवरेज करेंगे तो वो भी पैसे आपके कंपनी के भीतर चले जाएंगे जिसको आपने रखे होंगे किसी और काम के लिए। इसके अलावा आप देखिए कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के दोनों जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में काफ़ी कम हुए हैं, यानी कि आप मान सकते हैं कि जो भी न्यूज़ बाजार में घूम रही है वो कहीं ना कहीं से एक रूमर है जो सिर्फ रिटेल निवेशकों को फंसाने के लिए चल रही है शायद। डिविडेंड की बात करें तो लास्ट डिविडेंड कंपनी ने 0.05 पैसे का दिया था। कंपनी के सिर्फ फंडामेंटल अच्छे हैं, डिविडेंड के लिए कंपनी में निवेश मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अच्छी वैल्यूएशन पर जब मिलेगा तब इस कंपनी में आप अपने थोड़े बहुत पैसे लगा दीजिएगा, बाकी इस बुल मार्केट में स्विंग ट्रेड कीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।